नमस्कार। आज हम लेके आए हैं स्टैंडर्ड 7th का चैप्टर फर्स्ट, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का लेक्चर 5। अब हम लोग इसमें देखेंगे इंसेक्टिवोरस प्लांट, मतलब हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में एक ऐसा भी है जिसमें प्लांट इंसेक्ट को खाता है, और ये प्लांट वैसे जगह में उगेगा जहाँ पर नाइट्रोजनस सबस्टांस सॉयल में बहुत ही कम होगा या नहीं होगा, वैसे जगह में ये प्लांट उगता है। इंसेक्टिवोरस प्लांट उसे कहते हैं जो प्लांट्स विच ईट इंसेक्ट टू गेट नाइट्रोजनस कंपाउंड, जैसे प्रोटीन ये सब लेने के लिए ये अपना भोजन करेगा, आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट। और इसका एग्जाम्पल है पीचर प्लांट, वेनस फ्लाई ट्रैप, ब्लैडर वोर्ट, संड्यू। ये सब जो है वो ग्रीन प्लांट होता है। इसका जो इसके लीफ हैं उसमें क्लोरोफिल पाया जाएगा और ये फोटोसिंथेसिस द्वारा अपना भोजन बनाएगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजनस मटेरियल्स का अभाव रहेगा और वो नाइट्रोजनस कंपाउंड लेने के लिए इसे इंसेक्ट को खाना पड़ता है। और इन सबों में अलग अलग टाइप का, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि इन सब का अलग अलग स्ट्रक्चर होगा ये इंसेक्ट को पकड़ने का। जैसे इसमें है पीचर प्लांट में एक घड़ा जैसी आकृति इसमें होगा, और विथ लीड मतलब ढक्कन सहित होगा, एक ये आकृति होगा, इसमें घड़े जैसी आकृति होगी। और इसमें देखिए यहाँ पर जो है इसमें ये डाउनवर्ड हेयर लाइक का स्ट्रक्चर होगा। जैसे ही कोई इंसेक्ट इसके पास आएगा और इसमें से गंध निकलते रहेगा, लगेगा उसे कि कोई फ्लावर है और वो नेक्टर इसमें जरूर होगा, ऐसा गंध है इसमें से आते रहेगा। इसका डाइजेस्टिव इंजाइम्स यहाँ पर होता है और वो धीरे धीरे ये जो है वो इंसेक्ट इसमें आएगा, नीचे चला जाएगा। जब ये नीचे जाएगा तो उस समय ही इसका जो हेयर है वो थोड़ा थोड़ा उस पर वो जो है सेंसिटिव होगा इसका हेयर, और जैसे ही वो हिलेगा इसके पंखों द्वारा या इंसेक्ट के नीचे जाने के क्रम में, तो यहाँ उसका ढक्कन जो है ऊपर से बंद हो जाएगा। ये ढक्कन यहाँ कवर ऐसे इस तरह से कर लेगा और ये जाके इसमें ये लिक्विड होगा, इंजाइम्स इसमें होगा, उसमें जाके ये नीचे इंसेक्ट चला जाएगा और कुछ ही समय में इंसेक्ट डिसॉल्व हो जाएगा, मतलब डाइजेस्ट होना शुरू हो जाएगा। जब ये डिसॉल्व हो जाएगा इंसेक्ट, तो ये फिर ये इसके द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। इस तरह से ये पीचर प्लांट अपना नाइट्रोजनस मटेरियल एब्जॉर्ब करता है। सेकेंड है वेनस फ्लाई ट्रैप। इसमें क्या होगा, इसमें दोनों तरफ से इस तरह से ये जो है वो लीफ इसका होगा और दोनों में कांटा होगा, और ये जो है इस तरह से पैक हो जाएगा दोनों तरफ से, ये ऊपर और नीचे इस तरह से ये पैक हो जाएगा और अंदर इंसेक्ट इसमें बंद हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे कि जैसे ही कोई इंसेक्ट इसके अंदर आएगा यहाँ, और इसमें आते ही इसका जो है छोटा छोटा इसमें भी सेंसिटिव रहेगा स्पाइक्स, और जैसे ही वो स्पाइक्स दो चार बार हिलेगा वो अपने आप इसका जो है ढक्कन जैसा ये दोनों जो बना हुआ है वो, और बगल में कांटेदार होता है जिससे वो जाली जैसा बन जाएगा, इसमें से इंसेक्ट जो है वो बाहर नहीं निकल पाएगा, ये इंसेक्ट को ट्रैप कर लेगा और इसमें से भी डाइजेस्टिव इंजाइम्स निकलेगा जो इसे डाइजेस्ट करके और फिर एब्जॉर्ब कर लेगा। ये ब्लैडर वोर्ट है, ये एक्वेटिक प्लांट है। इसमें छोटा छोटा यहाँ पर होगा ये स्ट्रक्चर और ये भैकम जैसा बना हुआ रहेगा। जैसे ही कोई इंसेक्ट इसके पास जाएगा वो अचानक उस ऐसे जो है वो उसका ढक्कन खुलेगा और पानी अंदर की ओर चला आएगा। इस तरह से इसमें छोटा छोटा जो इंसेक्ट है आसपास जो तैर रहा है वो अंदर की ओर इसमें चला जाएगा और बंद हो जाएगा इसका ढक्कन, पानी फिर से धीरे धीरे बाहर निकल जाएगा और इंसेक्ट अंदर ट्रैप हो जाएगा।
और धीरे धीरे डाइजेस्टिव इंजाइम्स द्वारा ये ब्लड इसमें ब्लैडर वॉर्ट में भी वैसा ही सेम होगा प्रोसेस, और फिर डाइजेशन के बाद इसमें एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। इसमें है संड्यू में, ये देखने में लगेगा कि ड्यू है, मतलब कि वो पानी ओस का बूंद जैसा ये दिखेगा, जैसे सुबह सुबह घास पर ओस रहता है वैसे ही इस पर छोटा छोटा ये चमकदार ये दिखेगा कि लगेगा इसे कि सुबह सुबह का ये ओस गिरा हुआ है इस पर। और वो इंसेक्ट जैसे ही इसके पास आएगा, इंसेक्ट आने के बाद ये धीरे 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 अपना ये जो है स्ट्रक्चर इस तरह से इसको मोड़ना शुरू कर लेगा, और इस तरह से इंसेक्ट को ये अंदर ट्रैप कर लेगा। इस तरह से इंसेक्ट को ये ट्रैप करने का काम करेगा, और फिर वो डाइजेस्ट करके और इसमें भी एब्सॉर्प्शन हो जाएगा। तो इस तरह से इंसेक्टिवोरस प्लांट के बारे में हम लोग जाने। अब नेक्स्ट है, इसमें दो प्लांट्स या दो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो साथ में रहेंगे और दोनों को बेनिफिट मिलेगा, इस तरह का न्यूट्रिशन कहलाता है सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन, मतलब सिम्बायोसिस जिसे कहते हैं। इसमें दोनों ही बेनिफिटेड होगा, बोथ बेनिफिटेड होगा इसमें। यहाँ पर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म और प्लांट लिव टुगेदर एंड बोथ डिपेंड ऑन वन अनदर फॉर फूड, या बोथ बेनिफिटेड, ये जो है दोनों जो है वो बेनिफिट दोनों को होगा, साथ में रहेगा और ये दोनों को बेनिफिट होगा। जैसे इसका एग्जाम्पल है लाइकेन, फिर है राइजोबियम, माइकोराइजा, इस तरह से बहुत सा आएगा इसका एग्जाम्पल। सबसे पहले हम लोग देखते हैं लाइकेन। लाइकेन क्या है? ये जो है सूखी हुई लकड़ी या बार्क ऑफ ट्री पर ये होगा। यहाँ पर इसमें नीचे वाला जो पोर्शन है वो फंगी, यहाँ पर होगा फंगी, और ऊपर वाला जो पार्ट होगा इस पर होगा यहाँ एल्गी। इसमें फंगी और एल्गी दोनों मिलकर जो है वो साथ में रहते हैं, और देखने में लगेगा कि एक एक ही प्लांट है इसमें। और इसमें फंगी जो है इसे वाटर और मिनरल प्रोवाइड करता है, और एल्गी फोटोसिंथेसिस करेगा और बदले में इसे फूड देने का काम करता है। मतलब कि ये दोनों को साथ में
रहने में किसी को परेशानी नहीं होगी, दोनों बेनिफिटेड होंगे, और ये जो है किसी को कोई नुकसान नहीं होगा, एक दूसरे से ये जो है अपना भोजन के लिए डिपेंड रहते हैं। इसी तरह से राइजोबियम ये जो है लिगुमिनस प्लांट के रूट नोड्स पर पाया जाता है। इसमें छोटा छोटा गांठ होगा, ये जो है ये नोड्स रूट नोड्स कहलाएगा। रूट नोड्स में होगा राइजोबियम। इसमें ये जो गांठ है इसमें बहुत सा राइजोबियम राइजोबियम बैक्टीरिया होगा, और ये राइजोबियम बैक्टीरिया का ये कॉलोनी इसमें पाया जाएगा। इस तरह से करके ये राइजोबियम जो है वो साथ में रहेगा, और ये एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेगा और नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देगा, और ये जो है नाइट्रोजनस कंपाउंड जो होगा वाटर सोल्यूबल होगा, और इसे प्लांट ले लेगा और वो अपना प्रोटीन बनाने का काम इससे करेगा। इस तरह से बहुत सा प्लांट मिल जाएगा जो साथ में होगा। जिस तरह से एक और है माइकोराइजा, माइकोराइजा में होता है फंगी और साथ साथ कुछ प्लांट का रूट, रूट में वो फंगी लग जाएगा और उसे रॉट नहीं करेगा, सड़ाएगा नहीं, बल्कि उसे वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करके देगा। तो वैसे जगह में लगाया जा सकता है जिस जहाँ पर पानी की कमी हो, वैसे जगह में ये माइकोराइजा साथ में छोड़ा जाएगा कुछ प्लांट में, जिससे कम पानी वाले जगह में भी लगाया जा सकता है, साथ दोनों को फायदा होगा इसमें। तो इस तरह से करके हम लोग जाने कि ये जो है सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन किस तरह से होता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे प्रिपरेशन ऑफ फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब कि प्लांट्स जो है वो अपना भोजन केवल कार्बोहाइड्रेट ही नहीं बल्कि प्रोटीन फैट ये सब भी बनाते हैं, और उसे और बाकी कौन सा रॉ मटेरियल्स चाहिए ये सब हम लोग जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।